साल 2020 अपने साथ जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी लाया, वहीं यह साल बहुत सारे ट्रेंड्स भी अपने साथ लाया, जहां OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस साल रफ्तार पकड़ी। आपको बता दें कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने अपना मनोरंजन करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, जिसमें बहुत सारी वेब सीरीज और शॉर्ट मूवी शामिल थी। वहीं अब 2021 में भी वेब सीरीज का दौर चल पड़ा है, या यूं कहें कि लोगों को वेब सीरीज देखने की आदत हो गई है। वेब सीरीज का सबसे अलग सिनेरियो लोगों को खूब भाता है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगले महीने यानी फरवरी में कौन कौन सी वेब सीरीज आने वाली है। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप नव समाचार को सब्सक्राइब कर लें। द फैमिली मैन पार्ट 2, मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन पार्ट 2 फरवरी में रिलीज होने वाला है। एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरी इस सीरीज के दूसरे सीजन के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। द फैमिली मैन 2 अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल होगी। बॉम्बे बेगम्स, पूजा भट्ट स्टारर वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स की रिलीज डेट को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। सीरीज में अलग अलग महिलाओं की कहानी के बारे में दिखाया जाएगा। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3, सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राथे स्टारर इस रोमांटिक वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के पहले 2 सीजन दर्शकों को काफी पसंद आए थे। यह ऑल्ट बालाजी पर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। जिद जीत की, अमित शाह की इस वेब सीरीज को लेकर काफी चर्चा है। इस सीरीज में अमृता पुरी, सुशांत सिंह और अली गोनी नजर आएंगे। यह कारगिल वॉर के रियल हीरो मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर के रियल लाइफ से प्रेरित है। जिद जीत की सीरीज 22 जनवरी को Zee5 पर रिलीज किया जाएगा। क्रैश, 4 भाई बहनों और उनकी मंजिल की कहानी पर बनी एकता कपूर की यह वेब सीरीज फरवरी में रिलीज होगी। सीरीज में जैन इमान, अनुष्का सेन, अदिति शर्मा, रोहन मेहरा जैसे टीवी के पॉपुलर स्टार शामिल होंगे। तांडव, मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज तांडव के लिए दर्शकों को फरवरी तक का इंतजार नहीं करना होगा। यह 15 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है। सत्ता के लिए की जाने वाली राजनीति पर बनी इस वेब सीरीज में सैफ अली खान के अलावा सुनील ग्रोवर, कुमुद मिश्रा, गोहर खान, डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नव समाचार। धन्यवाद।